अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विनेश दीवाना ऑपोजिट पुलिस लाइन NH1 GT रोड पानीपत और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूँ आपके साथ सोनम। CIA 1 और CIA 3 ने पानीपत में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पहले मामले में सगे साडू ने अपने शराबी दोस्तों के साथ मिलकर अपने साडू की हत्या कर शव काबड़ी रोड पर फेंक दिया। किसी को शक ना हो इसके लिए हत्यारों ने हत्या कर मृतक के शरीर से कपड़े तक उतार लिए। जब हत्यारा पकड़ा गया तो उसने खुलासा किया कि मरने वाला उसकी बीवी के साथ गलत संबंध होने की बात कर उसे चिढ़ाता था, जिसके चलते उसने अपना आपा खो दिया और उसने उसकी हत्या कर डाली। देखिए कैसे पकड़ में आए हत्यारे। पुलिस ने दो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आज उन आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया जिनके ऊपर आरोप लगे थे मर्डर के। पहले मामले की बात की जाए तो काबड़ी रोड पावर हाउस के पास एक डेड बॉडी मिली थी। पुलिस को पहचानना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन परतें जुड़ती गई और मामले का खुलासा होता गया। DSP सतीश वत्स के पास चलते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं कि वो क्या मामला था और कैसे ये लोग पकड़ में आए। जैसा कि आपको पता है कि थाना माल टाउन के इलाके में काबड़ी रोड पर पावर हाउस के पास एक नग्न अवस्था में डेड बॉडी मिली थी 16 अगस्त को, और वो अननोन थी, उसका कोई पता नहीं था कि ये कहाँ की है, और एक वो मर्डर था क्योंकि उसके शरीर पर चोटें थी। तो इस संबंध में माल टाउन थाना में FIR दर्ज की गई थी, और सबसे पहला चैलेंज तो हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन का था। सबसे पहले उस डेड बॉडी की को आइडेंटिफाई किया अखबार के माध्यम से, उसके हाथ पर अंकुश गुदा हुआ था, तो उसकी फ़ोटो देखकर लोगों ने आइडेंटिफाई किया उसे, तो मनीष उसके हाथ पर लिखा हुआ था। और फिर वो मुरलाने का लड़का आइडेंटिफाई हुआ, मुरलाने गांव का रहने वाला था। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो CIA 3 की टीम को हमने ये कार्य सौंपा था, तो उस ब्लाइंड मर्डर को इन्होंने ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। ये मामला मिला इसका एक सेठी नाम का, इस मरने वाले का एक साधु था, उनकी आपस में दोनों की पत्नियों को लेके कुछ रंजिश थी, वो उसकी छींटाकशी आपस में करते थे, तो इस रंजिश को लेके उनका तनातनी रहती थी। तो इसी रंजिश को लेकर सेठी ने अपने चार साथियों को अपने साथ मिलाया, और उस रात 15 तारीख की रात को गढ़ी सिकंदरपुर के पास इसको सनोली रोड से अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए, और वहां जाके इसका ब्रूटली मर्डर किया डंडों से पीट पीट के, और फिर इसको काबड़ी रोड पर पावर हाउस के पास इसकी डेड बॉडी को डाल दिया, और कपड़े इस नीयत से कि कोई पहचान ना पाए कपड़े इन्होंने उतार के नहर में डाल दिए। तो इन पांचों लड़कों को गिरफ्तार करने में कल हमारी CIA 3 की टीम ने सफलता प्राप्त की है, और 2 दिन के पुलिस रिमांड पर उन्हें लिया गया है। उनसे और गहराई से पूछताछ करेंगे और आज उनको कोर्ट में पेश किया। कैसे पकड़ेगी? देखिए शक पहले तो उनको घर वालों ने कुछ दबी जुबान में किया था, वैसे क्लियर कट नहीं बताया था, दबी जुबान में उन्हें शक, जब आइडेंटिफाई हो गई बॉडी दबी जुबान में शक जाहिर किया था, तो उसी के आधार पर हमने उनसे पूछताछ की, तो फिर आगे परतें जुड़ती चली गई और ये खुल गया। क्या काम करता था जी मृतक? ये मेहनत मजदूरी का काम करता था। उधर इंदिरा विहार कॉलोनी में लगभग 1 महीने पहले माँ बेटी के मर्डर के आरोपी भी पुलिस ने पकड़ लिए हैं। CIA 1 ने इस ब्लाइंड मर्डर की बड़ी सूझबूझ के साथ सुलझा दिया। इस दोहरे हत्याकांड का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतिका का पड़ोसी ही निकला। हत्या 900 गज के मकान के लिए की गई। पकड़े गए आरोपी मोहित ने पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर के बारे में बताया। मोहित के साथ उसका साथी भीम, विपिन और सुमित भी पकड़ा गया। दूसरे मामले को भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। पानीपत की इंदिरा कॉलोनी में माँ बेटी का मर्डर हुआ था, मामला वो भी ब्लाइंड था, लेकिन उस मामले का खुलासा भी कर दिया गया है। जायदाद को लेकर दोनों के मर्डर किए गए थे, कैसे मर्डर हुए थे और उन लोगों के पीछे कौन था, उस मर्डर के पीछे किसका हाथ था, वो भी जानकारी लेते हैं पानीपत के DSP 30 बस से।
जैसा कि आपको पता है, इंदिरा कॉलोनी कावड़ी रोड फाटक के पास एक 17/7/2020 को एक वारदात हुई थी। एक माँ बेटी की डेड बॉडी घर में मिली थी, वो भी ब्लाइंड मर्डर था, उसका भी पता नहीं लग पा रहा था। तो वो हमारे CIE 1 को सौंपा गया था, इंस्पेक्टर राजपाल की अध्यक्षता में ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी। तो उसमें भी 4 लड़के शामिल पाए गए, जब उन्होंने उसमें बड़ी कामयाबी ये उन्होंने हासिल की है। उससे कुछ दिन पहले एक आपको पता होगा कि इद्रिस नाम के आदमी की हत्या की गई थी। उसमें जो ये लेडी मरी थी, इसका लड़का उसमें मुलजिम था, इसके लड़के ने वो मारा था इद्रिस नाम के आदमी को, इसी इन्हीं के घर में वो रहता था। और उस दिन ये माँ बेटी की हत्या करने की भी साजिश थी, वो इसका जो लड़का है इसकी भी, इन दोनों माँ बेटियों की हत्या करना चाह रहा था और इसकी इद्रिस की भी। तो इद्रिस की हत्या उसने कर दी, एक लड़का और उसके साथ विपिन नाम का आया था, लेकिन ये माँ बेटी उस दिन बच गई। माँ को शायद कुछ चोटें आई थी, लेकिन ये माँ बेटी बच गई थी। तो ये जो विपिन इसका साथी था, जो इस अंकुश लड़के के साथ वारदात में शामिल था, इसने फिर सोचा कि अंकुश, क्योंकि अंकुश प्लाट के लिए, ये जो प्लाट था जिसमें रहते थे, इसके लिए अपनी माँ और पूरे परिवार को मारना चाहता था। तो विपिन को इसकी वारदात, इसकी जो सोच का पता था कि विपिन क्या चाहता था, तो उसने एक, उनके सामने ही भीम नाम का आदमी रहता था, उसके साथ मिली भगत करके दो लड़कों को और उन्होंने साथ मिलाया। और क्योंकि ये पहले से साजिश चली हुई थी कि अगर ये पूरा परिवार ख़त्म हो जाए तो प्लाट अंकुश के नाम आ जाएगा, और अंकुश क्योंकि इनका साथी था, उससे ये सस्ते दाम में इसको खरीद लेंगे। तो अंकुश विपिन जो ये बाहर था, इसने भीम जो उसके सामने रहता था उसको, और एक मोहित और एक सुमृत, ये संजय कॉलोनी का है, इनको अपने साथ मिला के और इस एक सुनियोजित तरीके से इन माँ बेटी की हत्या की थी। इन्होंने पहले अर्ली मॉर्निंग में जाके एक सीढ़ी लगा के, दीवार के साथ सीढ़ी लगा के घर में कूद गए विपिन और ये भीम सिंह, भीम और मोहित, भीम साइड वाले मकान से, और साइड वाले मकान से इसमें अंदर कूद गए, एक कुंडी खोल के, और दो लड़के बाहर निगरानी करते रहे कि कोई आ ना जाए, और दो ने उनकी माँ बेटी की बुरी तरीके से हत्या कर दी। उन्होंने वो अलमारियाँ खोल दी, सामान बिखेर दिया, ताकि ये लगे पुलिस को कि ये डकैती के पर्पज से किया गया। CIA 1 और CIA 3 पुलिस ने इन दोनों मामलों को ट्रेस किया है, दोनों मामलों में सारे ही आरोपी पकड़े गए हैं। कैसे ये मामला सुलझाएगा इसके बारे में विस्तार से जानकारी DSP सतीश वस्त ने दी। फिलहाल दोनों ही मामले में सभी आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, अब इनसे और भी खुलासा किया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन अभी 2 दिनों के लिए सभी को रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस पता लगाएगी कि कहीं और तो कोई इस हत्याकांड के पीछे तो नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करिए आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सलोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. Pure honge sare.
अपने